व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं जी। मेरा नाम यूसुफ रफीक और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आप प्रीमियर प्रो के अंदर जो है सिनेमैटिक बार किस तरह से डाल सकते हैं। अगर आपने कोई मूवीज वगैरह देखी हो तो वीडियो के ऊपर और नीचे जो है आपको ब्लैक बार्स नज़र आती हैं, वो किस तरह से डाली जाती हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये एक फुटेज है और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है मैं एक बार जो है वो सिनेमैटिक बार जो है वो डालूँ। ठीक है, उसके लिए क्या है कि आप इस पैनल को सेलेक्ट करेंगे और फाइल में जाकर न्यू और यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर, या फिर दूसरा देखा क्या है कि यहाँ से राइट क्लिक करें, न्यू आइटम और एडजस्टमेंट लेयर और ओके कर दें। ठीक है, फिर इसको उठा के आपने इधर रख देना। ठीक है, और फिर क्या करना है कि यहाँ से रेजर टूल लेकर इसको यहाँ से क्रॉप कर देना है, फिर इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, अब आपकी ये पूरी वीडियो के ऊपर जो है ये आ गई। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आप सर्च करेंगे क्रॉप टू क्रॉप इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से इसको ट्रैक करके इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर जो है आप फेंक देंगे तो ये जो है इफेक्ट आपके पास आ गया। ठीक है, तब आपने क्या करना है कि यहाँ से टॉप जो है यहाँ पर आप टाइप करेंगे 10% और बॉटम जो है वो भी 10%। ठीक है, तो देखें जी आपके वीडियो के ऊपर जो है वो सिनेमैटिक बार्स जो है वो आ चुकी हैं। अगर आप इनकी वैल्यूज़ को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका क्या तरीका है कि आप 10 की बजाय इधर 15 और नीचे भी जो है वो 15 ऐड करते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ये क्रॉप इफेक्ट डालने का फ़ायदा क्या है कि ये जो आपकी ओरिजिनल वीडियो है वो ज़ाया भी नहीं होगी। उसमें क्या तरीका है कि आप इस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और इसको आप नीचे की तरफ मूव करवा के अपना एरिया रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया जी हमारी वीडियो के ऊपर जो है सिनेमैटिक बार्स जो हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।